पंजाब दे विच इमीग्रेशन ठगी दे मामले रुकण दा नाम नहीं लै रहे। इस तहत वख-वख मौकियां ते इन्हां मामलियां नूं रोकण वास्ते उपराले किए जाते रहे हैं। कंपनियां बना के करीब 2500 लोगों नाल ठगी पंजाब दे विच वजी है। इस मौके एडवोकेट ने कहा कि ठगी दे शिकार हुए लोगों दे मसले उजागर करने की कोशिश हो रही है ताँ जो आने वाले समय दे विच कोई इस तरह की ठगी दे शिकार ना हो सके। पंजाब च इमीग्रेशन फ्रॉड के किस्से जरा है लगातार आते रहते हैं। तो एक होर किस्सा है जहाँ जरा है ना वकील साढ़े नाल है वरिंदर जी लेके आ रहे हैं, उन्होंने गलबात करते हैं कि सारा मामला है। सर तुम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, की सारा इमीग्रेशन फ्रॉड है? सर यह इमीग्रेशन फ्रॉड के रिगार्डिंग सीगा एक कॉन कपल हैगा जिहड़ा प्रेविलेंट हैगा ट्राई सिटी दे विच। ये पिछले 10 साल तो इन्होंने 6 तो वध ऑफिसिस खोले हैं जिहदे विच इन्होंने 700 तो वध बच्चों नूं ठगिया, सॉरी 2500 तो वध बच्चों नूं ठगिया, 700 बच्चों ने कंप्लेंट की है ते 100 करोड़ तो ज़्यादा जिहड़ा ये ठग चुके हैं। किस तरह ठगी करते सीगे इमीग्रेशन जिहड़े स्टूडेंट्स होंदे सीगे जिहड़े जाना चाहुंदे सी बाहर? सर ये की करते सीगे, इन्हां दा एक मॉडस ऑपरेंडी रहा, ये ना लेविश ऑफिस खोल लैंदे, उत्थे झूठी एडवर्टीजमेंट देंदे। झूठी एडवर्टीजमेंट मीनस कि जिहड़ी चीज़ CIC दा रूल दे मुताबिक हुंदा नहीं है वह एडवर्टीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साढ़े 4 बैंड दे विच तुहानूं बाहर भेज देंगे अलोंग विद योर स्पाउस, दिस इज़ नॉट पॉसीबल। इस नूं सच मानते हुए बच्चे इन्हां दे इन्हां नूं अप्रोच करते, जो इन्हां नूं अप्रोच करते सीगे तां इह इन्हां तों 2-2.5-3 लाख रुपए ठग लैंदे सीगे। फिर इन्हां नूं चक्कर लवांदे रहिंदे सीगे पूरा साल, ते जदों बच्चे दे इन्ने पैसे फसे होण ते उहनूं कढाउण वास्ते बच्चे दे 25-30 हज़ार रुपये होर लग जाए, बच्चा कहिंदा चलो जिन्ने गए कोई गल नहीं। हुण इहदे विच होया की है जी, ये जी आखिरी ठगी इन्होंने की सी जी वड्डी ठगी है वो 40 करोड़ की की सी। हुण इहदे विच की है बच्चे कट्ठे हो गए, पहला बच्चे अलग अलग सके, जो तो बच्चे कट्ठे हो गए ता करके इन्होंने स्ट्रेंथ मिली एक दूजे नाल। FIR से गल की कितनी FIR हो गई, क्योंकि कफ कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा 2500 के करीब स्टूडेंट्स ना ठगी हुई है, तो FIR कितनी हुई है? 37 तो वो मतलब बाकी बाहर नहीं आ रहे, अगे नहीं आ रहे स्टूडेंट्स जिन्होंने ठगी हुई है? नहीं नहीं सर, सारे अगे आ रहे हैं। मेरा कहने का भाव हैगा कि जिहड़ी पहला FIR हुई सी पंजाब दे विच मोहाली दे विच उहदे विच इहनूं इंप्लीकेट ही नहीं किया गया। हुण इन्हां नूं देखो जी होर अगली लैवल की एक SIT बनाई गई सी 7 FIR लैके, उहदे विच इहनूं एग्जॉनरेट करता एक्विट करता सीगा ते उह SIT दी रिपोर्ट चैलेंज हो चुकी है रीसेंटली। बिल्कुल, एडवोकेट वरिंदर साहब दस रहे थे कि इमीग्रेशन का एक वड्डा फ्रॉड है जिस तो 2500 के करीब स्टूडेंट्स को ठगया गया। तो आओ स्टूडेंट्स नाल भी गलबात कर लेने हैं जिहड़े अज इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पुजे ने। एक जिहड़े स्टूडेंट हैगे ने जिन्होंने स्टडी वीज़ा लाया सीगा इन्हां कोल, इस एजेंट कोल जिन्होंने ठगी का शिकार होए ने, गलबात कर लेने। सर अपना नाम जी? मेरा नाम विशालदीप सिंह है, मैं अमृतसर तो बिलोंग करता सर। ये अपना कंपनी का नाम की सीगा जब तुसीं इस लगाया सीगा? कंपनी का नाम HCFS इमीग्रेशन सीगा, हाई कमीशन फैसिलिटेशन सर्विसिज। ते किवें ठगी दा शिकार होए, किन्ना पैसा तुहाडा डुब चुका है? सर मेरा 12-13 लाख रुपया जिहड़ा डुब चुका है। तो ठगी का शिकार इत्थे इस तरीके नाल करदे सीगे, इन्हां दी एडवर्टाइजमेंट जिहड़ी आ उह TV ते चलदी सीगी कि आपां सारे पैसे लवांगे जी वीज़ा तों बाद। सो उह सुण के जिहड़ा जिहड़े स्टूडेंट की नहीं भी एबिलिटी हैगी अप्लाई करन दी जां पैसे खर्च करन दी, उह आस लै के उह भी आ जांदा सीगा कि चलो वीज़ा तों बाद पैसे देने आ, वीज़ा आऊगा तो कर्ज़ लै के भी जिहड़े पैसे दित्ते जा सकदे आ। ते वीज़ा तुहाडा एम्बेसी तक पुज्जिया, उत्थों रिजैक्ट होया जां लग्गिया ही नहीं, की रहा किवें लग्गिया कि ठगी दे शिकार हो गए? सर वीज़ा एम्बेसी तक पुज्जिया ही नहीं, ईवन मेरी फाइल तक रेडी नहीं हुई। मैनू जब 1.5 साल इन्होंने मेरा खराब करता, मेनली जिहड़ा प्रोसेस आ उह 3-4 मंथ का हुंदा, इह मेरी ऑफर लैटर अगे तो अगे डैफर करते गए। जदों मेरा 1.5 साल खराब हो गया फिर थोड़ा इत्थे भी पता लगन लग्या, लोग आउण लगे, लोग रौला पाउण लगे। जदों आपां आउंदे सीगे पुछण कि साडा की स्टेटस चल रहा, देखदे सीगे लोग रौला पाउंदे आ, ते हौली हौली पुछदे पछाउंदे पता लग्गिया कि ये फ्रॉड कर रहे, स्कैम हो रहा इत्थे। जिवें दस रहे सीगे एडवोकेट वरिंदर कि 2500 दे करीब स्टूडेंट्स नाल ठगी होई है, ते होरां नाल भी तुहाडा कॉन्टैक्ट होया कि किते इकट्ठे हो गए पहुँच कीती किते? सर जिथे मैं अप्लाई किया HCFS इमीग्रेशन च उत्थे तकरीबन 300 स्टूडेंट्स का नाल जिहड़ा उत्थे फ्रॉड होया है, तकरीबन 300-400 स्टूडेंट्स के नाल। तो मेरा उन्होंने विचों काफ़ी स्टूडेंट्स के नाल कॉन्टैक्ट हैगा जिन्हां दे नाल मैं आउंदा जांदा सीगा मिलदा सीगा। टोटल किन्ने पैसे तुहाडे लग गए? मेरा सर टोटल 12-13 लाख रुपया जिहड़ा लग चुका। तो कंपनी तों तुसीं वापस मंगिया फिर? सर जदों वापस मंगिया वापस तो देंदे नहीं सीगे, फिर हार के मैं स्टूडेंट्स के नाल गलबात की, स्टूडेंट्स नूं इकट्ठा किया, धरना लाया,
काफ़ी स्टूडेंट्स चलो मेरे नाल खड़े भी, काफ़ी सारे ने गल नहीं भी मनी कि पता नहीं साडा शायद वीज़ा आ जाना, धरना ला के बैठा तो साड़ी फाइल खराब हो जूगी। कुछ स्टूडेंट आस लैके जो बैठे थे, बट कुछ स्टूडेंट्स जिन्हों के नाल हो चुका सीगा वह मेरे नाल उत्थे खड़े भी। एफ आई आर दर्ज करवाई तुसी? बिल्कुल सर, एफ आई आर भी दर्ज कराई। पहला तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, बट जो धरना लगाया पूरा एक महीना उत्थे मैं धरने पर रहा। कि दफ्तर 43 सेक्टर दे विच। धरने तो बाद सर फिर ईओ विंग तक गल गई, ठीक है जी, एसएसपी साहब तक गल गई, फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स भी जीवन जिहड़े आ ओरिजिनल इन्होंने सबमिट किए थे वह भी मैं ईओ विंग तो बड़ी मुश्किल दे नाल इन्हां दे इन्हां दे थ्रू कढवाए। उस तो बाद हुण लड़ाई हले भी जिहड़ी लंबी चल रही हैगी है, ते अगे कित्थे केस लगाया गा? सर लड़ाई तो अजे चल ही रही है, केस मेरा वरिंदर सर के कोल ही जिहड़ा चल रहा है उही लड़ रहे ने। अंकुश कोली, जी मीडिया, चंडीगढ़।